भाई के जन्मदिन के मौके पर उनके अभिनय से सजने वाली फिल्म दीपू की दुल्हनिया का शानदार मुहूर्त किया गया। उन्होंने इस अवसर पर अपनी मुख्य भूमिका वाली भोजपुरी फिल्म का ऐलान करके अपने फैंस को एक तरह से उपहार दिया है। फिल्म के निर्माता दीपक भोजपुरिया, ओमकार सोनकर एवं निर्देशक प्रदीप आर शर्मा है। आज मेरा बर्थडे है और हम लोग कुछ खास लोग मतलब जो हैं वही ये केक काटना था, तो हमारे डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि हाँ आज बर्थडे है तो आज मुहूर्त भी है फिल्म की कर लिया जाए। हालांकि आज बहुत कम लोग हैं हम लोग। ये फिल्म दीपक भोजपुरिया जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ दिल लगे लड़निया वाली। वो फिल्म के बाद मुझे ये फिल्म मिली दीपू की दुल्हनिया, उनको लगा कि हाँ ये फिल्म में भी अविनाश शाही को रखना चाहिए, तो ये फिल्म मुझे मिली और गिफ्ट के तौर पे मिली मुझे बर्थडे पे। किया हूँ मैं फैमिली ड्रामा रही है हमारी फिल्म और ये भी फैमिली ड्रामा है। मैं हर फिल्म में मेरा डिफरेंट डिफरेंट किरदार होता है और इस फिल्म में भी डिफरेंट है और ये फिल्म कॉमेडी है प्लस फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप शर्मा जी, उनके साथ मैं इश्क वाले फिल्म कर चुका हूँ कि बहुत बेहतरीन फिल्म है वो। उस हिसाब से मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, अपना प्रोडक्शन हाउस, अपने लोग अच्छे लगे। डीएलजी फिल्म प्रोडक्शन, सबसे पहले जो हमारे प्रोड्यूसर जी हैं दीपक जी, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो ये प्रोडक्शन हाउस काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहलाए और काफ़ी आगे तक जाए और यही दुआएं हमारी। और ये जो दीपू की दुल्हनिया है जो देख रहे हैं आप, तो इसमें मेरा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मैं दीपू की दुल्हनिया हूँ और ये हमारी पहली मूवी है और ये एक फैमिली ड्रामा है और इसमें एकदम जो दीपू की दुल्हनिया होती है एकदम चुलबुली टाइप की होती है, अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करती है मैं के एंड ससुराल के लिए, तो यही चीज़ दिखाई जाएगी इसमें। अविनाश जी, हर हर महादेव, श्रावण महीना चला पावन, ठीक है, महादेव का भक्त है और इस टाइम बहुत अच्छा है कि मतलब अगर मुहूर्त करते हम लोग बहुत अच्छा है। और दूसरी बात क्या पता है कि दीपू की दुल्हनिया टाइटल बहुत स्वीट है और बहुत अच्छा है और कहानी भी एक फैमिली ड्रामा है और शूटिंग जैसे कोरोना का जो घर चल रहा है ये क्लास होने के बाद जैसे शूटिंग में हम लोग जाने को तैयार है। आप इस फिल्म के मैं फिल्म लाइन से हूँ, मेरा कैसा है अविनाश भाई से हम लोग का भाई का रिलेशन है। जब मैं स्टोरी में सुना था मैं भैया को बोला भैया आपके लिए एकदम परफेक्ट है, भैया बोले ठीक है दीपक जब आप बोल रहे तो हम करेंगे। मेरा कैसा अविनाश भाई के साथ मेरा भाई के साथ रिलेशन है और मैं यही चाहता हूँ भाई के साथ मैं हमेशा अक्सर काम करूँ और मेरी फिल्म का प्रोडक्शन है मैं अपने नाम से की और डीएलजी की प्रोडक्शन है। मुझे भरोसा है जो इंसान 50 से 55 मूवी मार्केट में हिट पे हिट दिया है, मैं उनके साथ एक मूवी कर चुका पिस्तल पांडे, मुझे कुछ अलग लगा उनका। जाहिर सी बात जब कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है तो बहुत कुछ सोच के लगाता है, बंदा कहाँ मेरा पैसा गलत है जगह जाएगा या फंसेगा, क्योंकि उनसे कैसा मेरा भाई के ऐसा रिलेशन था और भाई के रिलेशन की वजह नहीं एक उनका व्यवहार मार्केट में इसके वजह से भैया को साइन किया। भैया को बोला भैया मेरी मैं फिल्म अपने नाम से करना चाहता हूँ दीपू की दुल्हनिया, बोले ठीक है हम कर साइन भैया किए। फिर उसके बाद अभी देखिए कोरोना, अभी इसके पहले मेरी एक फिल्म आई थी मुहूर्त हुई थी दिल ले गई उड़निया वाली, अभी उसका हाल ही में शूट करने विचार लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर जैसा महादेव की कृपा होगी कोरोना कम होगा तो हम लोग शूट करेंगे, उसके बाद ये फिल्म नवंबर या दिसंबर में हम लोग शूट शुरू करेंगे। बहुत ही एकदम अच्छी फिल्म है और कॉमेडी फिल्म है, मजा आएगा और इसमें एक करेक्टर जो है मेरा है लीड करेक्टर बहुत प्यारा सा है जो कि बताएंगे नहीं स्टोरी में, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, मजा आएगा लोगों को देखने में। और दीपू दुल्हनिया बहुत अच्छी फिल्म है, हमारे जो दीपक भोजपुरिया फिल्म बना रहे हैं और हमारे स्टार हीरो हैं सुपर स्टार अविनाश शाही जी और नई लड़की है बहुत अच्छी एक्टर है। डायरेक्शन जो हमारे कर रहे हैं हमारे प्रदीप शर्मा जी कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, उनके साथ मेरी करीब 7-8 फिल्में हो चुकी हैं, अविनाश जी के साथ मेरा 10-12 फिल्में हो चुके हैं, मजा आ रहा है टीम के साथ में काम करने में। बुरी है यह पिक्चर तो बहुत अच्छा बनेगा और इसका जो डायरेक्टर है प्रदीप आर शर्मा बहुत सुलझे हुए बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं और अपना हीरो तो भाई अविनाश शाही स्टार और उसमें भी अपना मतलब है करेक्टर छोटा भाई के जैसा दिल है और भाई के साथ में कर रहा हूँ और
अच्छा लगेगा। अब कई पिक्चर कर चुका हूँ प्रदीप आर शर्मा के फिल्म में और भाई के साथ भी अविनाश राय के साथ में भी कर चुका हूँ और बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो भाई ने बता ही दिए क्या क्या है क्या। अभी ये जो फिल्म है जैसे कोरोना काल का जो अपना लॉकडाउन में ख़त्म हो जाएगा तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि फिल्म शुरुआत करने की। और ये फिल्म तो एक बेटर फिल्म है और एक फैमिली ड्रामा पर फिल्म बनाया जा रहा है उस हिसाब से जल्द कोशिश चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।